मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आपका सब आप सभी का द क्लासमेट गुरु में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप हमारी डेली क्लास करंट अफेयर्स क्लासेस देख रहे होंगे। तो डेली हम क्या करते हैं, डेली जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं, और पुराने दिनों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक होते हैं, जिनसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं करंट अफेयर्स का, तो उनका पहले हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे 2022 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का मतलब ये नहीं है कि 2022 मतलब पुराना डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पहले था बट अभी उनको वो पुरस्कार दिया गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वासिनी लॉरेज, पेरुमल मुरुगन, सविता कसवाल, रवि कन्नम, जो भी ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं आप उसको मार्क करिए। तो क्या पूछा है, हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका सही हमारा आंसर क्या होगा, सविता कंसवाल। सविता कंसवाल इसका सही आंसर होगा, स्टूडेंट आप इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, हाल ही में किसने AI ओडिसी को लॉन्च किया है। AI ओडिसी को लॉन्च किया है, जो AI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा इस बार किसने किसी AI से रिलेटेड जो नई टेक्निक आई है या उससे रिलेटेड कोई हमारा इन्वेंशन हुआ है, कोई नई योजना लॉन्च की गई है जिसमें AI यूज़ किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब उन सब पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन अभी क्या पूछ रहा है, हाल ही में किसने AI ओडिसी, ओडिसी ये है, वो ओडिसी नहीं है, आप ओडिशा वाला ओडिसी मत समझिएगा, ये ओडिसी को लॉन्च किया है। क्वेश्चन हम ऑप्शंस देखते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट ने, मतलब ऑप्शन इसलिए रखा ना कि ऐसा लग रहा है ओडिसी, IBM ने, गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने, तो सही हमारा आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया ओडिसी। ठीक है, AI ओडिसी। नेक्स्ट हम देखते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, फाउंडर सबको पता होंगे बिल गेट्स एंड पॉल एलन है इसके फाउंडर। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है, वाशिंगटन DC में है। CEO कौन है अभी, CEO अभी सत्या नडेला है, जो भारतीय मूल के हैं, इंडियन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, जो हमारे इस मतलब इस साल जो हमारे इंपॉर्टेंट AI से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है हाल ही में, उनको हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे AI से रिलेटेड अभी रही हैं, हमें उनके बारे में पता है या नहीं है। ठीक है, पहले देखते हैं, भारत में विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, नाम क्या है, इंद्रजाल। आपको पता होना चाहिए कि जो हमने हाल ही में पहली बार AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है, इज़राइल ने लॉन्च किया है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ओरोन विमान कहाँ का है, इज़राइल का है। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया है, तिरुवनंतपुरम शांतिगिरी विद्या भवन में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, MP ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया है। जस्ट आस्क आपसे पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया है, यह कौन से गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो MP गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ठीक है, मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने AI आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, Llama 2। मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने AI आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है Llama 2। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने AI आधारित न्यूज़ एंकर, न्यूज़ एंकर भी आप क्या होंगे, AI आधारित होंगे, तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, कुछ जगह उनको रिप्लेस करके इसे मतलब रोबोटिक्स फॉर्म में जो होते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं उनको रखा गया है, तो न्यूज़ एंकर लीज़ा लॉन्च किया है ओडिशा, मतलब ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ न्यूज़ एंकर रखा है उसको, मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट को, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, लीज़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, एलोन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप XAI लॉन्च किया है, आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किसने AI आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया है, तो नाम आपसे पूछ सकता है कि ये ABCD, तो क्या है, एलोन मस्क है, उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारा है, किस यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है, JNK, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी की है ब्रिटेन ने। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में हुए पहले वैश्विक एआई सम्मेलन कहाँ हुए हैं या किसने मेजबानी की, तो मेजबानी किसने की है, ब्रिटेन ने मेजबानी की है इसकी। नेक्स्ट हमारा क्या, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार जो एआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग कंट्रीज, उसमें बताया गया कि भारत 5वें नंबर पर इन्वेस्टर्स के रूप में है जिसने एआई में इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया इस फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। आपको ये भी याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे भारतीय ग्रामीण परिवेश में और परिवेश के लिए क्या है, एआई चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जुगलबंदी। मतलब ग्रामीण जुगलबंदी क्या होता है, जो जानवर मुँह चलाते हैं ना, मतलब जब चारा खाते हैं उसको जुगलबंदी बोलते हैं, तो उन्होंने ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड उन्होंने नाम रखा है इसका क्या है, जुगलबंदी। नेक्स्ट हमारा क्या है, जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज इन्फोसिस का है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में लॉन्च किया गया जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम है टोपाज, वो किसने लॉन्च किया है, तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। पूछ सकता है कि इन्फोसिस ने हाल ही में जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, टोपाज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओपन एआई चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी का, जीपीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, आई थिंक आधे लोगों को पता नहीं होगा, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, रसिया का क्या है गीगा चैट क्या है रसिया का है। गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड मतलब बनाया है, तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में गूगल ने जो चैटबॉट बनाया उसका नाम क्या है, बार्ड है, ठीक है। और रसिया का जो है गीगा चैट है, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, एआई का गॉडफादर किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किसे कहते हैं, जेफरी हिंटन को। आप ये जरूर याद रखिएगा जी, क्योंकि एआई सब रिलेटेड इसी से है, तो गॉडफादर क्या है, जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन क्या है, एआई के गॉडफादर हैं। बार बार रिपीट करें ताकि आपको दिमाग में बैठे, आपको याद हो चीज़ें, आपको दिमाग में बनी रहे। नेक्स्ट हमारा क्या, किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल अनुवाद किया है। आपको बताया था, मैंने पढ़ाया था ना, तमिल समागम हुआ था अभी हाल ही में वाराणसी में, तो एक एआई चैटबॉट यूज़ किया गया जिसमें कि जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वो हिंदी में बोल रहे थे उसको तमिल लैंग्वेज तुरंत मतलब रियल टाइम में कन्वर्ट करके वो एआई जो चैटबॉट था वो बता रहा था। उसका नाम क्या है, भाषिनी एआई। आप ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा था उस टाइम, तो आपको याद रखना है भाषिनी एआई। फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, सुबस। मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से मतलब लॉन्च किए हैं चीज़ें, कौन कौन सी उपकरण लॉन्च किए हैं, नए नए पोर्टल्स लॉन्च किए हैं, तो उसमें सुवस का नाम भी बताया था मैंने सुप्रीम कोर्ट का है। आप बस याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे कि सुवस सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट हमारा का, ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है कृत्रिम, ये पढ़ाया था आपको मैंने, ओला ने लॉन्च किया है कृत्रिम मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी है। मतलब हाल ही में, मतलब चलिए ठीक है, न्यूज़ एंकर हो गया और वेटरेस हो गया, ये चीज़ें जैसे ऐसी चीज़ों में तो रखते थे इनको जो रोबोट्स हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें क्या बनाया गया है, सीईओ बनाया गया, कंपनी के सीईओ बनी है, मीका नाम क्या है उनका, मीका है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, अभी बताया आपको, माइक्रोसॉफ्ट ने, ये लेटेस्ट है अभी इस साल का इसलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। आपको पढ़ाया था मैंने 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये बहुत डिटेल में पढ़ाया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का मेज़बानी करेगा। मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार कर रहा है कोई चीज़, जो पहली बार होती है वो न्यूज़ में होती है तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और यूनेस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का मेज़बानी करेगा, तो 2024 में करेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं डिटेल में क्या है, भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेज़बानी करने के लिए चुना गया। आपसे पूछ सकता है कि अभी जो होने वाला 2024 में यूनेस्को का सत्र कौन सा नंबर का है, 46वें नंबर का है, 46वें नंबर का है, ठीक है। यूनेस्को में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि जो होंगे विशाल वी वर्मा होंगे, और 21 से 31 जुलाई 2024 में नई दिल्ली में होगा, ये आपको याद रखना है, 21 से 31 जुलाई होगा, जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है, आप याद रखिए आप। और जो इसके प्रतिनिधि हैं ये वे हैं विशाल वी वर्मा इसके प्रतिनिधि हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
इसमें क्या है, विश्व धरोहर समिति ने वर्तमान में 21 देश शामिल हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को में अभी कितने मेंबर्स, टोटल मेंबर्स हैं, तो अभी कितने टोटल मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मतलब सॉरी भारत जो है 1946 में इसका सदस्य बना था। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल जो है इक्वाडोर का गला पेगोस आइसलैंड है। मतलब आपसे पूछ सकता है कि पहली बार यूनेस्को को जो सब धर्म धरोहर में शामिल हुआ था, वो पहला जो था, वो पहला क्या है, इक्वाडोर का जो था गला पेगोस आइसलैंड था। भारत में 42 विश्व धरोहर हैं, भारत की कितने टोटल 42 धरोहर हैं, 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनेस्को जो है इसका स्थापना हुई थी 1945 में, और भारत जो हमारा सदस्य बना, एक साल बाद ही बन गया था 1946 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसके एंड्रे ऑर्ले हैं इसके अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। आप देखो, अगर आपको इसमें दिख जाता ना इंडिया, ऑप्शन दिख जाता, तो आप पहले इंडिया को ही लगाते, क्योंकि नाम क्या है, कमल के आकार का है। अभी हाल ही मोदी जी ने कहीं पर कमल के आकार की एक मतलब कुछ लॉन्च किया था, आप उसका नाम बताइएगा जाकर के कि कहाँ पे क्या लॉन्च किया है। आई थिंक वो कुछ एयरप्लेन से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, इसमें बोल रहा है कि कमल के आकार का सैटेलाइट है, तो हो सकता है बच्चों को लगे कि भाई इंडिया का ही होगा, क्योंकि कमल कमल हर जगह कमल ही है, इंडिया में बीजेपी कमल है, लेकिन ये कमल इंडिया का नहीं है। आपको देखते हैं ऑप्शंस क्या, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, यूएई, तो इसका किसका है, चाइना का है, चाइना ने लॉन्च किया है ये, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब, आपसे पूछ सकता है कि आइंस्टीन प्रोब किस देश का रॉकेट है, तो ये चीन का रॉकेट है, ठीक है, लॉन्च किया, कमल के आकार का है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसे 12 पंखुड़ियाँ हैं, 2 स्टोमैन हैं और 12 मॉड्यूल हैं, जिसमें वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगे हुए हैं। उद्देश्य क्या, सुपरनोवा विस्फोट होकर ब्लैक होल समेत ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना। तो मेन इसका मतलब मिला जुला कर क्या है, जो भी चीन ने भेजा है अपना ये अभी मतलब लक्ष्य जो भेजा है इन्होंने मिशन, उसका एक मेन मुद्दा क्या है, मेन उद्देश्य क्या है उसका, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता लगाना, जो भी डार्क मैटर है या ब्लैक होल्स वगैरह है, उन सब के बारे में इसको पता लगाना। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, हम हाल ही में अभी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री, आप बताइए इनका जन्म कब हुआ था। एक और भी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, उनके साथ इनका जन्म मनाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका जन्म दिवस कब मनाते हैं हम, क्योंकि इंडिया के मोस्ट मतलब जो सबसे बड़े महान नेता हैं, जिनको सब लोग जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जानते हैं, उनके साथ इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, 11 जनवरी 2024 में अभी मनाया गया है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आपसे पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अभी देखिए ये हाल में, अगर आसपास अगर आपको कोई एग्जाम पड़ता है, जैसे फरवरी में आपका आर ओ एग्जाम होने वाला है, मार्च में आपका UPSC होने वाला है, तो ये एग्जाम क्या है, बहुत पास पड़ रहे हैं, तो आपसे इस एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, आपका पेपर हो रहा है, उसके आसपास जो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है ना, आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जनवरी में जो कोई चीज़ घटित हो रही है या जनवरी में से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल ज़रूरी। इसमें क्या है, ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही पॉपुलराइज, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, आपको याद रखना, जय जवान जय किसान किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट ही डाइड ऑन 11 जनवरी 1966, बोला है कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हुई, बट इनकी डेथ जो है बहुत मिस्ट्री बनी हुई है। अगर अभी ये मतलब इनकी डेथ नहीं हुई होती, तो शायद जो सिनेरियो है इंडिया को कुछ और ही होता, तो इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि डेथ अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे हाल ही में मनाया गया है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, जो लोगों की तस्करी होती है उसको लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, जागरूक नहीं होते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है ये, और लोगों को सुरक्षित करने के लिए भी मनाया जाता है। तो क्या ऑब्जर्व ऑन 11 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2024 को मनाया जाता है क्या, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, आपको याद रखना है। एम क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द
परसिस्टेंस इश्यूज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो लगातार लोगों की तस्करी हो रही है, छोटे बच्चों की, लड़कियों की तस्करी हो रही है, उनको जाके सेक्स ट्रैफिक में सेक्स वर्कर्स बना देते हैं, बच्चों को लेकर भीख मंगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करवाते हैं ऐसी, तो लोगों को अवेयरनेस फैलाना इस बारे में कि सेक्स जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो मतलब इनह्यूमन प्रोसेस है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए चीज़ें की जा रही। क्या है इतिहास का दिन है ये, स्टार्ट कब हुआ था, 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिकी की सीनेट 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव की पुष्टि की, मतलब स्टार्ट कब हुआ था, 2007 में स्टार्ट हुआ था ये, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने स्टार्ट किया था ये। फिर 2010 में राष्ट्रपति ओबामा जो है मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए जनवरी का पूरा महीना एक समर्पित किया था। आज 50 से अधिक स्थापित संगठन है जो विश्व स्तर पर इस अवैध प्रथा का मुकाबला करने, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो स्टार्ट हुआ 2007 से स्टार्ट हुआ था, फिर और अच्छे से जो ब्रॉड लेवल पे इसके बाद इसमें काम करना शुरू किया उसमें 2010 में हुआ, जब ओबामा जी ने लगभग एक महीने पूरा जनवरी इस मामले में बात की थी और इस मामले में लोगों को जागरूकता फैलाई थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इसलिए अभी लोग ज़्यादा सतर्क हो गए इन चीज़ों के बारे में। और हमारे संविधान में भी ये सब चीज़ें मना की गई हैं, आर्टिकल आप चेक करके बताइए कौन से आर्टिकल में बताया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ये ऐसी चीज़ें अमानवीय जो कृत्य हैं ये वर्जित हैं, इस पे आपको सजा मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, बिल्किस बानो केस अभी हाल ही में फिर से चर्चा में रहा है, आई होप आपको सबको पता होगा बिल्किस बानो केस क्या है, जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके साथ ही 7 लोगों की हत्या भी की गई थी, उसमें जो 11 दोषी पाए गए थे उनको सजा सुनाई गई थी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी गुजरात में कांड हुआ था लेकिन उस मतलब मामले को क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर ट्रांसफर कर दिया गया था, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सजा सुनाई थी। तो अभी क्या है, 14 साल पूरे होने पर गुजरात गवर्नमेंट ने जो वो दोषी थे उनको माफ़ कर दिया। मैं बताती हूँ शेड्यूल, मतलब ये प्रोसेस होता क्या है, इसमें प्रोसेस ये है, देखिए आर्टिकल 72 के तहत क्षमा याचना जो है प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो आपकी सज़ा कम कर सकते हैं, और आर्टिकल 161 के तहत जो है क्षमा याचना राज्यपाल के पास पावर होती है कि राज्यपाल आपकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। जो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने किया ना 14 साल होने के बाद उन्हें उनकी सज़ा माफ़ कर दी, वो उन्होंने यूज़ किया है ये स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होती है ना CRPC एक्ट की CRPC की धारा 432 के धारा के तहत उन्होंने माफ़ किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो भी मतलब स्टेट हाई कोर्ट है जिसने सजा सुनाई है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको 14 साल के बाद सजा माफ कर सके, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है, क्योंकि भले ही दंगे गुजरात में हुए हों, दोषी गुजरात के हों, लेकिन जब सज़ा सुनाई गई वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई थी, तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट को ये हक है कि वो जो 11 दोषी पाए गए उनकी सज़ा को माफ़ कर दे। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम इनकी सज़ा माफ़ नहीं कर रहे हैं, जो दोषी हैं उनको सज़ा जो भी दी गई है वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए हाल ही में फिर से चर्चा में रहा है, तो उनकी जो सज़ा थी वो फिर से कंटिन्यू कर दी गई है, जो गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट ने उसे माफ़ किया था उसे भी रद्द कर दिया गया है, आपको याद रखना ठीक है। बस आप याद रखिए कि जो ये केस हुआ था कब 2002 में हुआ था, जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसके बाद ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉड लेवल पे हुई थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आफ्टर अ रिकॉर्ड 1111 एनजीओज गॉट SCRAs नॉट इन 2023 30 गेट क्लियरेंस इन जनवरी, मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे NGOs होते हैं, NGO क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत में कोई प्रधान जी हैं, वो गवर्नमेंट से पैसा लेकर के नालियाँ साफ कराते हैं, स्कूल साफ कराते हैं, कुछ नई नई चीज़ें करते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ से थे, गवर्नमेंट से लेते हैं। ऐसे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको लगता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें मतलब बच्चों के लिए या वहाँ पर महिलाओं के लिए करनी चाहिए, वो अपनी तरफ से पैसे इकट्ठा करते हैं और नई नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ऐसे रोजगार से रिलेटेड हो गया, लाइब्रेरी बनवा दी, सड़कें साफ करवा दी, नालियाँ साफ करा दी, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो NGOs बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, तो ऐसे मतलब जो बड़े बड़े NGOs होते हैं वो फंडिंग कहाँ से लेते हैं, वो फंडिंग फॉरेन से लेते हैं, वो फॉरेन से फंडिंग लेते हैं। तो हाल में क्या देखा गया कि 2023 में चलिए ठीक है 1111 जो थे NGO थे उनको अप्रूवल मिला था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जो मतलब 24 में जनवरी में देखा कि सिर्फ और सिर्फ
30 को क्लियरेंस मिला, मतलब जो बाकी थे उनको मना कर दिया। होता हो क्या रहा है कि फॉरेन से बहुत सारा करेंसी है, बहुत सारा ये डोनेशन ले करके उसमें बहुत सारे घपलेबाजी हो रही है, मतलब घूसखोरी हो रही है, मतलब ब्लैक मनी वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मतलब जो बाकी NGOs थे उनको मना कर दिया गया, उनको क्लियरेंस नहीं दिया गया है। जो FCRA है, फॉरेन क्रेडिट रेगुलेटिंग एजेंसी जो है, वो यही करती है कि अगर अगर कोई NGO फॉरेन से जो पैसे ले रहा है, अगर मान लीजिए $100 मिलियन लिए या मतलब $1 मिलियन लिए किसी भी NGO ने, तो वो उतने खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो मतलब जिस काम के लिए लिए उसको यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो उनका जो अप्रूवल है वो रद्द कर दिया जाता है, उनको ख़त्म कर देते हैं। इस कारण देखते हैं क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है जो FCRA, द FCRA वॉज इनेक्टेड इन 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड ड्यू टू कंसर्न अबाउट फॉरेन इंटरफेरेंस इन द इंडियाज अफेयर्स थ्रू आउट फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब होता क्या है, जो 1976 में इसे स्टार्ट किया गया था, क्यों? क्योंकि जो उस टाइम हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस थी उसमें क्या था, जो फॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमारे यहाँ पर इंटरफेयर कर रही थी, फाइनेंशियली सपोर्ट दे करके लोगों को गलत चीज़ें, मतलब गलत चीज़ें फैला रही थी, या मतलब हमारी पॉलिटिकल जो चीज़ें थी उसको डिस्टर्ब कर रही थी। इसलिए ये बनाया गया कि भाई ऐसा एक्ट बनाते हैं कि अगर कोई बाहर से पैसा दे तो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे वो छेड़छाड़ ना करे, उससे हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम उसी टाइम बंद कर सकें। इसलिए इसकी स्टार्ट को 1976 में हुई थी। फिर क्या है, FCRA वाज डिजाइन टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशन टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन इंश्योरिंग दैट दे ऑपरेट इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब इसमें ये कहा गया कि इसमें ये भी चेक करना था कि अगर कोई भी NGO बाहर से पैसे ले रहा है तो जिस काम के लिए लिए हैं तो पहले तो वो उसको वैसे ले, और हमारी जो अपनी डेमोक्रेटिक जो हमारी मतलब रिपब्लिक जो हमारी इमेज है उसे बरकरार रखे, उसको डैमेज ना करे और ऐसे कोई काम ना करे जिससे हमारी इमेज बाहर ख़राब हो और या बाहर का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर इंटरफेयर कर सके किसी भी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, वैलिडिटी एंड रिन्यूअल। मतलब कोई अगर कोई NGO बनता है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार NGO बना दी और वो लाइफ टाइम के लिए बन गया, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए ही उसका अप्रूवल मिलता है, कुछ टाइम तक ही आप पैसे ले सकते हो, एक वैलिडिटी होती है उसकी भी। तो उसी के बारे में क्या है, FCRA रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। आप कोई भी NGO बनाते हो और उसे बाहर से पैसे ले रहे हो तो आपकी जो वो जो NGO उसका वैलिडेशन कितना होगा, वैलिडिटी कितनी होगी, 5 ईयर्स की होगी। फिर क्या, NGO आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 मंथ्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्सपायर। अगर आपका एक्सपायर हो जाता है मतलब वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो आप विद इन 6 मंथ उसको दोबारा से रिन्यू भी करा सकते हो, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू कैंसिल एन NGO's FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर वेरियस रीजन। बताकर अगर क्या गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी NGO का जो FCRA रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल भी कर सकती है। बहुत सारे रीजंस इसमें दिए हैं, इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ एक्ट ऑफ अ लैक ऑफ रीजनेबल एक्टिविटी। मतलब अगर आप कोई ऐसी हरकत करते पाए गए जो मतलब तार्किक नहीं है, इन दियर चोजन फील्ड और 2 consecutive years, अगर 2 साल में ऐसी कोई हरकत देखने को मिलती है जो जिसके लिए आपने अपना NGO स्टार्ट नहीं किया था, अलग ही आप दूसरे ही जोन में जा रहे हो, तो भी आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है FCRA का वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, वंस कैंसिल एन NGO इज इलीगल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 3 ईयर्स। अगर आपका NGO एक बार, आपके NGO का जो एक बार रजिस्ट्रेशन है वो आपने इलीगल गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया तो आप 3 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो 3 साल तक आप एलिजिबल हो जाओगे इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विंग्स इंडिया 18 जनवरी को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित 18 से 25 जनवरी विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2029। ये हमारा एक विंग्स इंडिया समारोह होने वाला है, उसके बारे में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है मोका और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है ये, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये आपको 2024 कर लीजिएगा, 18 जनवरी से 25 जनवरी को होगा। ये नाम क्या है इसका नाम क्या है, समारोह का नाम है विंग्स इंडिया। आपसे पूछ सकता है कि विंग्स इंडिया समारोह कहाँ पर मनाया गया था, फिर पूछ सकता डेट क्या है,
कब से कब मनाया गया था, इसमें शामिल कौन कौन सा, इसका हम देखते हैं हम क्या है। पहली बात तो मनाया गया मोका और फिक्की दोनों ने, लोगों दोनों जो संस्थाएं उन्होंने आपसी समझौता करके इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। भारतीय नौसेना का जो P-81 विमान है, गुआन में अभ्यास सी सी ड्रैगन हो गए 24 में शामिल है 9 जनवरी को, जो हमारा सी ड्रैगन अभ्यास होने वाला है उसमें हमारा विमान कौन सा शामिल है, P-81 शामिल है, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसी में क्या है, प्रशांत क्षेत्र में अपनी इस उपस्थिति दर्ज की है, इस ऐसा अभ्यास अगर हो रहा है, भारत उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो क्या है प्रशांत, जैसे प्रशांत जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की है पहली बार तो भारत ने। नेक्स्ट इसमें क्या, इसमें कौन कौन शामिल था, अमेरिका शामिल है और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान, भारत की नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देते हैं, ये सारे मिलकर के इन चीज़ों में अंतर, मतलब जो हमारा आपसी समझौता है, आपसी रिश्तेदार रिश्ते हैं उनके साथ, कंट्रीज के साथ अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय नौसेना के P-81 के अलावा अभ्यास सी ड्रैगन 24 में प्रदर्शित अन्य विमान कौन कौन से हैं, भारत का तो P-81 शामिल था इसमें, ठीक है, और नाम क्या है इसका, सी ड्रैगन 2024, आपको याद रखना सी ड्रैगन 2024 अभ्यास का नाम है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में हुए सी ड्रैगन 2024 में शामिल कौन कौन सा था, तो भारत शामिल था, अमेरिका शामिल था, जापान और दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है, सारे सारे शामिल थे। जो अमेरिकी नौसेना है उनका कौन सा है यान जो है, विमान क्या है, P-8A है। जापान जापान समुद्री आत्मरक्षा बल है PI, रॉयल कैनेडियन वायुसेना है CP-140 और कोरिया गणराज्य का नौसेना P-3C, आप इनके नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गुजरात ईवी प्लांट के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग ने किया 2000 करोड़ का आवंटन, ये हेडिंग एक तरीके से क्या है, जेनसोल जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसने ईवी प्लांट के लिए गुजरात में 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। इसका देखिए, टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र की जो जेनसोल इंजीनियरिंग कंपनी है बहुत बड़ी है। अभी हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुई थी, आप उसके बारे में कमेंट बताइएगा, कहाँ हुई थी वो तो सब पता है, चलो गुजरात में हुई थी, उसका एम क्या था, उसमें मुद्दे कौन कौन से उभर कर आए हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया और उससे फ़ायदे क्या होंगे, आप ये बताइएगा। मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ऑलरेडी, वाइब्रेंट गुजरात गुजरात ग्लोबल समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, से बहुत बड़े बड़े चीजें सामने आई है, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। जुड़ी निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के हिस्से के रूप में समझौता ज्ञापन है, ठीक है। फिर क्या, जेनसोल समूह के संस्थापक कौन थे, अनमोल सिंह जग्गी। आपसे पूछ सकता है कि जो जेनसोल समूह है जिसने हाल ही में गुजरात में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है, उसके सह संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है अनमोल सिंह जग्गी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्सन ऑफ द डे अलग है, ठीक है, पर्सन ऑफ द डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन ऑफ द डे किसे घोषित किया गया है, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री, मतलब फ्रांस के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, युवा हैं, कितने मात्र कितनी एज है उनकी, 34 ईयर है उनकी, नाम क्या है, ग्रैबियल अपले, ठीक है, ग्रैबियल अपले नाम है उनका, फ्रांस के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व पद उन्होंने हासिल किया है। और जो ऑल वर्ल्ड में 5वें नंबर की गणराज्य कंट्री है जो फ्रांस, उसके वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हैं। 34 साल की उम्र में किसी देश का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, तो आप उनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इंडस फूड, एक नई पहल स्टार्ट की गई इंडस फूड 2024। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में खाद्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो ये इंडस फूड 2024 स्टार्ट हुआ है वो किसने किया है, तो पहली बात क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कहाँ पर किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या, इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब फूड के क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य रखा गया है। इंडस फूड 2024 हर साल वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद आयोजित करता है। आप इसे पूछ सकता है कि जो ये सो हर साल होता है, जो वाणिज्य विभाग है किसके सहयोग से करता है, तो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के सहयोग से। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं, करंट अफेयर्स आपको अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोज जो आपको टाइम से मिल सके, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें, ठीक है। और अगर आप हमारी पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉल करके हमसे कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।